अक्सर ये कहा जाता है कि फेम मिलना आसान नहीं होता। इसके साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आपको फेम मिल जाए तो उस फेम को संभाल पाना ये भी एक बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में हम बात करेंगे इंटरनेट से फेम पाने वाली रानू मंडल के बारे में। जी हाँ, रानू मंडल का एक वीडियो इस टाइम सोशल मीडिया पर फिर से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या खास है, वो सारी बातें आपको बताएंगे हम इस वीडियो में। आप देख रहे हैं R9 TV, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बात करेंगे रानू मंडल की। रानू मंडल का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर इसका खूब वायरल हो रहा है, लोग उसको देख भी रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे, हो सकता है रानू मंडल का नया गाना आया हो, रानू मंडल ने फिर से कहीं गाना गाया हो जिसको किसी ने रिकॉर्ड किया तो वो वायरल हो रहा है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मामला कुछ ये है कि रानू मंडल कहीं पहुंची थी किसी जगह, ये देखने में वीडियो में जैसे आप देख सकते हैं कि लगता होगा कि रानू मंडल किसी मार्केट में है और उनको वहां पे उनके एक फैन कह सकते हैं या कहें एक महिला ने उन्हें पीछे से टैप किया, यानी कि उन्हें पीछे से उनके कंधे पे हाथ रखा और उनसे फोटो खींचने की अपील की, या ये कहें कि आज का सेल्फी का जमाना है, उन्होंने रानू मंडल से अपील की कि वो उनके साथ सेल्फी लें। फिर क्या था, इसके बाद रानू मंडल का जो गुस्सा था वो सातवें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने कहा कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने मुझे ऐसे टैप करके बुलाया और ऐसे मुझे रोका। और वीडियो में साफ तौर पर सुनाई देता है कि रानू मंडल बार बार कहती हैं कि आखिर ये क्या था, या हाथ से इशारा करते हुए कहती है कि जो उनको टैप किया गया पीछे से ये क्या था। इसके बाद जैसे ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, सब लोगों ने रानू मंडल को एक तरफ से ये कहें खदेड़ना शुरू कर दिया। सब लोगों ने ये कहा कि फेम मिलने के बाद अक्सर आदमी पलट जाता है, कि जैसे इस समय हम रानू मंडल को देख सकते हैं। रानू मंडल जो कि आप सभी को पता होगा एक रेलवे स्टेशन पर भिखारी की तरह गाना गाने वाली थी, और इसके बाद उनको जो उनकी वीडियो थी वो वायरल हुई, उसके बाद वो रातों रात स्टार बन गई और यहाँ तक कि हिमेश रेशमिया ने उनसे अपनी फिल्म में दो गाने गवा लिए। तो मेरे ख्याल से लगता है कि दो गाने गाने के बाद जो रानू मंडल है उनके सर पर स्टारडम का भूत सवार हो गया। अभी देखना होगा कि ये वीडियो के बाद जो रानू मंडल की किरकिरी उड़ाई जा रही है सोशल मीडिया पे, उनका स्टारडम का जो भूत है वो कम होता है या नहीं, या इस पूरे मामले पर रानू मंडल सामने आकर माफी मांगते हैं या नहीं, ये तो समय बताएगा। फिलहाल के लिए तो इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि रानू मंडल का ये व्यवहार आपको कैसा लगा। थैंक यू।